Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. कैसे हैं आप सब लोग? Okay. Today, 21st July 2020, the day Tuesday, your subject computer, lecture of class 8. Today is your lecture number 4. Lecture number 4. Open your books. Chapter number 4. The topic is problem solving. Problem solving. How can we solve problems in our step-by-step manners? Okay? In this chapter, the topic, the chapter name, problem solving. In this chapter, we can understand how can we solve the problem in our step-by-step manners. So we can use also the draw flow chart. How can we divide the problems into the sub problems? हम अपनी problems को किस तरह divide कर देते हैं sub problems में, ठीक है? उसके बाद है. In this chapter we can understand two things, the most important, the step by step approach to problem. हम किस तरह एक problem को छोटे-छोटे problems में steps में divide कर देते हैं. Next we can understand what is defining the problem. कि आखिर प्रॉब्लम क्या है. जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो हम उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग बहुत सारी थिंग्स को सोचना स्टार्ट कर देते हैं. हमें सबसे पहले ये सोचना है व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज. सो फर्स्ट वी डिफाइन द प्रॉब्लम, देन वी गिव द इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड सोल्यूशन. ये सारी थिंग्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिपीटिशंस. रिपीटिशंस क्या कहते हैं? बार बार रिपीट होने को, ठीक है? अगर हमें इनमें इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें पता चला होगा. Yes. Repetitions. इसमें हम we can understand do while statement, repeat until statement and algorithm. ठीक है? So first of all, in this chapter the outline is a step by step problem and next is repetitions. In book 2, it's mean that class 7 में जब आपने पढ़ा था, we learn how to solve problems in a systematic way. हम अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं. वी लर्न टू डू दिस क्रिएटिंग एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट. हम इसमें लर्न किया था हमने हम किस तरह एल्गोरिथम बनाते हैं और किस तरह फ्लो चार्ट. व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिथम? अ स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. एंड फ्लो चार्ट क्या होता है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम. यानी जो भी हमने एल्गोरिथम एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है उसको हमने पिक्चर फॉर्म में, जैसे आपके सामने एक फ्लो चार्ट गिवन है, हमने एक पिक्चर फॉर्म में उसको डन करना है कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने इनपुट क्या दिया, आउटपुट क्या किया, डिसीजन क्या लिया और हमने उसको वाइंड अप किस तरह किया उस प्रॉब्लम को. व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम प्रिसाइजली क्लियरली, इट्स मीन दैट व्हेन वी आर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रिसाइजली एंड क्लियरली, इट बिकम्स ईजियर टू थिंक ऑफ गुड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. जब हम सोच लेते हैं कि हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या थी, हमने उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने किस ईजी वे की तरफ जाना है. अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी कैन ईजिली सॉल्व एनी प्रॉब्लम थिंकिंग अबाउट अ स्टेप बाय स्टेप मैनर्स. जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर्स के जरिए सॉल्व करते हैं. दिस हेल्प अस टू क्लियरली एंड अवॉइड बिकमिंग कन्फ्यूज. ये हमें अवॉइड करती है. यस वॉइस नहीं आ रही. क्लियर है? यस मैम. ओके. द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय थिंकिंग अबाउट द स्टेप बाय स्टेप मैनर्स. दिस हेल्प अस टू क्लियरली अवॉइड बिकम कंफ्यूज. यानी हमें अब कंफ्यूज होने से क्या करती है? सेव करती है. मेनी सक्सेसफुल पीपल्स हैव द स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर्स. जैसे आपकी बुक के अंदर एक गिवन है कि किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. अब देखिए 1, 2, 3, 4 यानी इस बुक में आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर से. व्हाट द इंफॉर्मेशन डू आई हैव? मेरे पास वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? ठीक है. व्हाट शुड द रिजल्ट बी? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्या उसके रिजल्ट्स हैं?
हाउ कैन आई यूज द इन्फॉर्मेशन टू गेट द रिजल्ट्स, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को किस तरह यूजफुल बना सकती हूँ फॉर रिजल्ट्स के लिए. आई गॉट द सोल्यूशन, देन द नेक्स्ट स्टेप इज आई गॉट, यानी आपके पास सोल्यूशन क्या होता है, मिल जाता है. इट्स मीन डैट अगर आप डेली लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को जितना आप स्टेप बाय स्टेप मैनेज में करेंगे उतनी ही आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, जल्दी सॉर्ट आउट होगी. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज पॉइंट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. व्हाट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज अ सॉल्विंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम. दिस क्वाइट सिंपल, यानी ये साउंड बहुत सिंपल सी है कि हम किस तरह यानी कि हर पर्सन कह सकता है अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करे. सो दिस साउंड इज वेरी क्वाइट सिंपल बट एक्चुअली नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग. बट इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि हम बहुत सारी थिंकिंग को सोचें कि आखिर हमने विच वन इज द बेस्ट सोल्यूशन. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट द प्रॉब्लम इज बट दैट इज नॉट द केस. हम बहुत सारी बातों में एक से सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, हमें लर्न नहीं हो रहा, हम किस तरह करेंगे, ये बहुत मुश्किल है, इतना सारा होमवर्क मिल गया, हम किस तरह डन करेंगे. सो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल वेन अ पर्सन फॉल इल, जब एक पर्सन बीमार हो जाता है ही माइट थिंक द प्रॉब्लम इज फीवर. वो सोचता है कि उसको फीवर हो गया है बट द डॉक्टर इज नॉट, डॉक्टर जानते हैं द फीवर इज नॉट द प्रॉब्लम, द रियल प्रॉब्लम इज दैट विच कॉज द फीवर. ठीक है, कौन सा ऐसा कॉज था जिससे फीवर हो गया, पॉसिबली अ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा. ही देन प्रिस्क्राइब द करेक्ट ट्रीटमेंट और सॉल्यूशंस फॉर द रियल प्रॉब्लम. वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. बाकी इसमें सारे इन्फेक्शन गिवन है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग. ठीक है, द प्रॉब्लम इज इन्फेक्शन, द प्रॉब्लम इज बैक्टेरियल. उस पर्सन को फीवर किस तरह हुआ, बैक्टेरियल के जरिए हुआ, इन्फेक्शन या किस क्या डिजीज थी. ठीक है, नेक्स्ट हमारी टाइप है इनपुट. वंस वी हैव थॉट अबाउट द प्रॉब्लम केयरफुली एंड डिवेलप अ प्रॉब्लम डेफिनेशन वी कैन टूवर्ड्स फाइंडिंग द सोल्यूशन. हम जब हम लोगों ने सोच लिया है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है, द फर्स्ट स्टेप वी टेक द इनपुट. वी हैव टू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अस. दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, थिंक ऑफ गुड सोल्यूशंस. We can collect this input by carefully observing surrounding. We should record that we see, hear, feel about the problem. Because हम अपने अराउंड में जब भी फील करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसको फील कर सकते हैं. This similar to the data collecting of the data capture we studied in book 2. Class 2 में हमने class 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि data capture किस तरह करते हैं, data collection की कैसे करते हैं. ये basically किसकी type में थी, data processing साइकिल की. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप है द आउटपुट. आफ्टर कलेक्टिंग आउटपुट वी नेक्स्ट हैव टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ आवर सॉल्यूशंस शुड बी. कि हमारे जब हमने इनपुट इतनी अच्छी दी है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट्स भी क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए. वी शुड आस्क टू आंसर द क्वेश्चन. हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं व्हाट शुड चेंज द रिजल्ट्स ऑफ द सॉल्यूशंस. कौन सी ऐसी थिंग्स हैं जिससे हमारे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं. ए ग्रेडर्स क्या है, ए प्लस पे आ सकते हैं. बी ग्रेडर्स क्या है, ए पे आ सकते हैं. सी ग्रेडर्स क्या है, बी पे आ सकते हैं. यानी ये कौन सा ऐसा वे है जिससे हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड आउटपुट रिक्वायरमेंट. दिस ऑल डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स. उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स. वंस वी आर क्लियर अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट. जब हम सोच लेते हैं कि हमने प्रॉब्लम को इतना अच्छा डिफाइन किया है, इनपुट क्या होगी और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली द मेन प्रोसेस इज प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स. We can think about the use to those achieved to the output. The doctor would think about the how to might bring down the temperature of the patient. ठीक है, कि उसको कितना बुखार है. He might also think about the medicine in the cabinet, what to the most effectively. वो उस कैबिनेट में से वो मेडिसिन निकालेगा जिसकी उसको क्या है जरूरत है. He will also think the ways. वो ये ways को use करेगा which the strength of the patient can be restored. वो ऐसी कौन सी strength है जिससे patient क्या होता है best हो सकता है, better हो सकते हैं. He might think of the vitamin pills in his cabinet and think about which one would be the best for the patient. और वो फिर सोचेगा कि कौन सी ऐसी vitamin pills हैं जो एक patient के लिए क्या है best हैं. The next is solution. By thinking carefully about the processing requirement, we can discover the right solution of the problem. तो वो सबसे पहले requirement देखेगा which one is the best solutions. By thinking long and hard of the patient's conditions and medicines might prescribe, the doctor might decide to prescribe. उसके बाद लास्ट में वो ये कहेगा फाइनली ही विल राइट डाउन हिज सॉल्यूशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म एंड हैंड टू द पेशेंट.
एंड पे क्या होता है, जब वो एक पेशेंट को चेक कर लेता है कि इसको कौन सी इसको फीवर है और इसको किस कौन सी विटामिन पिल्स की जरूरत है, तो एट द एंड क्या करेगा, उसको राइट उस प्रिस्क्रिप्शन जो भी उसने राइट डाउन किया है वो उसको फॉलो करेगा और उसका रिजल्ट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी डिफाइन द व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी काइंड है, टॉपिक है रिपीटिशंस. रिपीटिशंस का मतलब क्या होता है, बार बार बदलना. ठीक है, वी लर्न अबाउट द सिलेक्शन प्रॉब्लम्स, हाउ वी कैन इफ देन एल्स स्टेटमेंट टू सॉल्व द सिलेक्शन प्रॉब्लम. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव करना. जब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमें चीजों को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि विच वन इज द बेस्ट फॉर अस, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं. ठीक है, अगर हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हम डिसीजन लेते हैं कि डेफिनेटली हमने हार्ड वर्क करनी है या स्मार्ट वर्क करना है. ठीक है, रिपीटिशन अराइज व्हेन वी वांट टू द कंप्यूटर टू आस्क अगेन एंड अगेन. बार बार क्वेश्चन करते हैं, हाउ डू वी आस्क द कंप्यूटर टू रिपीट एक्शन. वो कौन सा एक्शन है जो हमें बार बार कैसे रिपीट करूं. हाउ डू वी टेल व्हेन द स्टॉप. वी कैन यूज द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, वन इज द डू व्हाइल स्टेटमेंट, सेकेंड इज द रिपीट अंटिल स्टेटमेंट. ठीक है, सो इन दिस टॉपिक ऑफ रिपीटिशन वी कैन अंडरस्टैंड टू थिंग्स, वन इज द डू व्हाइल स्टेटमेंट, सेकेंड इज द रिपीट अंटिल स्टेटमेंट्स. डू वाइल स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, एक ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसको हम अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. लाइक इफ देन एल्स, इफ का मतलब क्या होता है, अगर अगर ये राइट है देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो चले. इट्स आल्सो यूज द कंडीशन टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, ये आल्सो यूज करता है कि कंडीशन किसने इंस्ट्रक्ट की है. द कंडीशन माइट बी ट्रू और नॉट ट्रू. इसमें कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है और नॉट ट्रू भी हो सकती है. अगर कंडीशन फॉल्स है तब नेक्स्ट को प्रोसेस करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके पास इन दिस टॉपिक डू वाइल स्टेटमेंट द यू हैव टू कंडीशन, येस एंड नो, या ट्रू एंड फॉल्स. इन अ डू वाइल स्टेटमेंट अ कंप्यूटर रिपीट्स एन एक्शन व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू. In a dual statement, the computer repeat an action. तब तक repeat करता है condition को while the condition is true. जब तक condition आपकी क्या होती है, true नहीं हो जाती, तब तक वो उसको while नहीं चक्कर round होता रहता है. The computer stop repeating the action when the condition becomes not true. यानी वो तब तक नहीं इसको done करता जब तक condition क्या होती है, not true. Because dual statement we can understand two things, yes and no, ये true and false statement. Let's see how statement work with the help of an example. जैसे आपके सामने एक example है आपकी book पे page number 51 पे. The doctor will continue a treatment of fever while the patient's body temperature is higher than 37 Celsius. As soon as the temperature becomes 37 Celsius, ठीक है? The doctor will stop the temperature for fever. The algorithm and flow chart for this problem would look as show below. जैसे आपके सामने algorithm है. अब देखिए एक उन्होंने problem आपको बताई है. अब आपके लिए इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना क्या है, डिफिकल्ट है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करेंगे. स्टार्ट ट्रीटमेंट, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चेक बॉडी टेम्परेचर, फिर वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा. नेक्स्ट कंटिन्यू ट्रीटमेंट, आप उस ट्रीटमेंट को बार बार कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक आप बेटर नहीं फील करेंगे, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 37. स्टॉप ट्रीटमेंट इफ टेम्परेचर इज नॉट ग्रेटर देन 37. और डेफिनेटली जब आप उस प्रोसेस को, इस स्टेप प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, एंड जैसे आपकी बुक में गिवन है फ्लो चार्ट. ठीक है, जैसे आपके पास था अभी आपने एल्गोरिथम अंडरस्टैंड किया, किस तरह आपने स्टार्ट किए, इनपुट बॉडी टेम्परेचर आपने इनपुट दिए. ठीक है, अब उसने बताया कि टेम्परेचर अगर क्या है, ग्रेटर है 37 से, तो क्या करें, यस करें, अगर नहीं है तो दोबारा उसके पास दोबारा उसको इनपुट दे. ठीक है, अब देखें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट तब हुई है जब कंटिन्यू हुई है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट को, और नॉट ट्रू तब हुई है जब उसने उसका क्या कहते हैं टेम्परेचर को डन नहीं किया. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टॉप. नेक्स्ट सिंबल हमारे पास क्या है, रिपीट अंटिल स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट. हाउएवर इन द रिपीट अंटिल स्टेटमेंट द कंप्यूटर रिपीट एन एक्शन लॉन्ग एज द कंडीशन इज नॉट ट्रू. यानी ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन क्या होती है, नॉट ट्रू. इन अदर वर्ड्स द कंप्यूटर रिपीट एन एक्शन becomes the true, it stops repeating action when the condition becomes true. Let's see how the repeat until statement look by the conducting while the same example. जैसे अभी previous example में आपको दिया है 37 temperature के बारे में, जिसमें कहने हैं कि आपके पास as soon the patient is healthy,
एज स्ट्रॉन्ग एज बिफोर. पहले वो क्या था, हेल्दी था और अब क्या प्रॉब्लम है उसके साथ. डॉक्टर विल स्टॉप द प्रिस्क्राइबिंग विटामिन पिल्स. द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम वुड लुक एज शो इन द ब्लू. जैसे आपकी बुक में शो है पेज नंबर 53 पे, सेम इस तरह ही के उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया है देखें आपकी बुक में, फिर प्रिस्क्राइब विटामिन पिल्स. उसने अपने इनपुट में क्या लिया है, विटामिन पिल्स लेना स्टार्ट किए हैं. ऑब्जर्व पेशेंट्स अपीयरेंस एंड मैनर्स, ठीक है. फिर ऑब्जर्व किया गया, यानी प्रोसेस किया गया है कि जो विटामिन पिल्स ले रहा है उसके क्या बेनिफिट है, ठीक है. अब ये जो सिंबल यूज हो रहा है डायमंड सिंबल, दिस सिंबल इज यूज टू मेक अ डिसीजन, ठीक है. हमने जो विटामिन पिल्स ली थी उससे हमें डिसीजन मिलेगा. पेशेंट शो साइन ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, अगर वो बेटर नहीं है तो वो, अगर वो बेटर है तो वो देखिए डेफिनेटली उसकी जो सी विटामिन पिल्स है वो इनफ हो जाएगी, मेडिसिन उसकी खत्म हो जाएगी. अगर वो अभी तक स्टिल बेटर नहीं है, यानी अभी तक वो बीमार है किसी प्रॉब्लम है, तो दोबारा से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और फिर वही प्रोसेस. ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो पर्सन या वो पेशेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेटर फील नहीं करेगा, ठीक है. उसके बाद आपकी बुक में कुछ फ्लो चार्ट बने हुए हैं. उसमें सबसे पहले हमने यूज किया है स्टार सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल एंड सीएन सिंबल एंड एक्स सिंबल. स्टार्ट एंड एंड सिंबल इज यूज टू स्टार्ट एंड एंडिंग ऑफ द एल्गोरिथम, यानी जो भी हमने स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम क्रिएट किया है उसके लिए हम यूज करेंगे स्टार्ट एंड एंड. जब भी हमने अपनी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए शो करना है तो हम लोग स्टार्ट और एंड के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, ओवल सिंबल, ठीक है. उसके अलावा पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज टू इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है. इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम सिंबल यूज करेंगे, ठीक है. अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, सो वी यूज अ डायमंड सिंबल. डायमंड सिंबल इज यूज टू मेक अ डिसीजन इन द फ्लो चार्ट, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर्स. The problem is very simple, but it's quite a lot of thinking. Okay? In this chapter, we can understand defining the problem. How can we define the problem in a step-by-step manner? What is input? Anything that is given to the computer, या आप solve करें अपने daily life में problems को in a step-by-step manner में in a very efficient way में, तो वो क्या होगी input. Output क्या होती है? Everything that computer gives us या everything that we do और हमारे पास जो भी display हो रही है information उसको हम लोग क्या कहेंगे output. Work done by the computer is called processing. यानी जो काम भी process कर रहा है computer उसको हम क्या कहेंगे processing. Solution, which one is the best solution? यानी इन सारे steps के according में depend करता है. जैसे हम कुछ भी कोई भी हमारी daily life में problem आती है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि what the problem is. क्या आखिर problem क्या थी? नेक्स्ट वी कैन डिवाइड इन टू सब प्रॉब्लम, छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं. लाइक आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करते तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है. अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट्स भी क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट था रिपीटेशन. अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आइदर द क्वेश्चन इज ट्रू, आइदर द स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी कैन यूज द ट्रू वाला स्टेटमेंट एंड रिपीट अंटिल स्टेटमेंट. एल्गोरिथम का आपको पता है कि एल्गोरिथम होता है किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना. उसके बाद हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था कि विच वन इज द विच सिंबल इज यूज टू इनपुट एंड आउटपुट, डिसीजन सिंबल एंड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम. योर होमवर्क इज लर्न प्लस राइट वर्क पेज प्लस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. आपने वर्क पेजेस इसके सॉल्व करने हैं अपनी बुक पे और क्वेश्चन आंसर्स के तकरीबन डी और ई पार्ट आपने सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, ठीक है. जो आपके नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे. इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डू व्हाइल स्टेटमेंट, रिपीट अंटिल स्टेटमेंट एंड सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट? ओके, इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द ऑनलाइन एग्जाम्स. आपने अपने आप को ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. आप इंशाल्लाह वी टेक ऑनलाइन एग्जाम इन नेक्स्ट मंथ. आपके मिड टर्म एग्जाम्स कंसिडर किए जाएंगे ये, ठीक है. आपने उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है. नेक्स्ट यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल गैरिजन यूट्यूब चैनल, ठीक है. इससे क्या होगा, आपको अगर लेक्चर में मिस हो गए हैं तो आप डेली की अपडेशन क्या होंगे उसके साथ, जैसे ही आप उसके बेल आइकन को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यू से न्यू अपडेट्स क्या मिलती जाएंगी, ठीक है. थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़.